शिमारू किड्स हिंदी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और यूट्यूब ऐप पर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सरदार पटेल नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल भारतीय गणराज्य के स्थापकों में से एक हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनके पिता थे झवेर भाई पटेल और माता थी लाडबाई। उनके पिता एक सीधे सादे किसान थे जो भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान झांसी की रानी की सेना में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके थे। वल्लभ भाई की शुरुआती शिक्षा स्थानीय पाठशालाओं में हुई जो उन्होंने अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाते हुए प्राप्त की। फिर 1897 में उन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। वो एक विद्वान, होशियार, साहसी और दृढ़ संकल्प वाले नौजवान थे जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे, और यही बात उन्हें वकील बनने के सपने की ओर खींच कर ले गई। पैसों की किल्लत के कारण वल्लभ भाई ने अपने आप ही किताबें मांग मांग कर वकालत पढ़ी और किसी तरह जिला वकालत की परीक्षा को पास कर लिया। फिर उन्होंने वकालत करना शुरू किया सन 1900 में गोधरा गुजरात में। सन 1902 में वो वलसाड़ आ गए एक जिला मुख्यालय में, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक 8 सालों तक आपराधिक कानून पर वकालत की। इसी दौरान उन्होंने पैसे के मामले में अपने परिवार को स्थिर कर दिया। फिर उन्होंने झवेरबा से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, बेटी मणिबेन और बेटा दया भाई। लेकिन सन 1909 में उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, जिससे सरदार पटेल को गहरा सदमा लगा, जिसके बाद उन्होंने दोनों बच्चों का दाखिला बॉम्बे के सेंट मैरी स्कूल में करा दिया। सन 1910 में उच्च शिक्षा पाने वो लंदन गए, जहां परीक्षा में वो अव्वल आए। वो सन 1913 में विधिवक्ता बनकर वापस भारत लौटे और अहमदाबाद गुजरात में वकालत शुरू कर दी। सन 1917 में वल्लभ भाई का जीवन बदल गया जब उन्होंने महात्मा गांधी की आंखों में स्वतंत्र भारत के स्वप्न और अहिंसा के उनके तत्व ज्ञान को देखा। जल्द ही वो नगरपालिका निगम में निर्वाचित हो गए और उन्होंने किसानों के समर्थन में अंग्रेज शासन के खिलाफ विरोध किया, और तभी से उन्हें सरदार की पदवी प्राप्त हुई। पटेल ने फिर गुजरात में ऐसे कई अहिंसा वाले किसान विरोधी मोर्चों का आयोजन किया जो अंग्रेज कर नीतियों के खिलाफ थे। उन्होंने सन 1923 के झंडा सत्याग्रह में पूरी शिद्दत से हिस्सा लिया और सन 1930 के नमक सत्याग्रह में भी। उन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान में सन 1942 में पूरा समर्थन दिया। उनके इन्हीं कारनामों की वजह से उन्हें कई बार जेल में बंद कर दिया गया। स्वतंत्रता से पहले भारत के पास लगभग 625 छोटे और बड़े देशज राज्य थे। सरदार पटेल ने इन राजसी राज्यों के एकजुट होने पर जोर दिया और इन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने को कहा। पूरे देश को एकजुट कर पाने की उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें लोह पुरुष की पदवी दिलाई। भारत के राज्य जिन्हें हम आज देखते हैं, ये सरदार पटेल के अकेले के ही प्रयत्नों का नतीजा है। कहा जाता है कि 1946 में सरदार पटेल ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबके पसंदीदा उम्मीदवार थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम नामांकित किया तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। सन 1947 में वो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। वो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज की स्थापना करने में भी सहायक बने, इसीलिए उन्हें भारतीय सेवाओं का संरक्षक संत कहा जाता है। 15 दिसंबर सन 1950 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग उपस्थित थे। सन 1991 में हमारे देश ने उनका हम पर एहसान मानते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजा। कई इमारतें, महाविद्यालय और संस्थान उनके नाम पर खोले गए हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। उनके सम्मान में भारतीय सरकार ने एकता का पुतला बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी लंबाई 182 मीटर होगी और जिसे नर्मदा बांध के ठीक सामने साधु बेट नामक नदी टापू पर गुजरात में वडोदरा के पास स्थापित किया जाएगा। ये पुतला बन जाने पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुतला होगा। उनके जन्मदिन को सन 2014 में सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित कर दिया। सरदार पटेल की राजनीतिक चमक, कभी न घटने वाली देशभक्ति और राजनीतिज्ञता ने ही उन्हें ऐसे महान नेताओं में से एक बनाया है जैसा भारत ने आज तक नहीं देखा। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more fun videos.